नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। कुछ एक आईआईटी और इंजीनियरिंग मेडिकल उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं भी बात कर रही हूँ खास करके 12वीं के रिजल्ट की। और बहुत माँ बाप और बहुत सारे बच्चे खुश हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे आज के दिन खुश नहीं भी हैं। आखिर हम लोग 12वीं के मार्क्स को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या इसके लिए केवल बच्चा जिम्मेवार है, या आज का जो एक पूरा शिक्षा का एक सिस्टम बन चुका है उसमें भी हमें कहीं ये जवाब ढूंढना पड़ेगा कि आज हम अपने बच्चों को ऐसे मुकाम पर क्यों खड़ा कर देते हैं कि हमारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए हैं वैदेही सिंह, एजुकेशनिस्ट, और निशा जैन, काउंसलर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जी खास मुलाकात में। थैंक यू। मेरा सबसे पहला प्रश्न वैदेही जी आपसे है, आप एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल चलाती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जी कि पहली बात तो ये है कि आज के दिन जब रिजल्ट पढ़ते हैं ना, तो बाकी जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनकी तो छोड़ो जी, मेरे को बड़ी ना ऐसे सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। 99.8%, 98%। अरे हमारे, मुझे तो वैसे अपनी 12वीं की परसेंटेज याद नहीं है कितनी थी, पर मुझे ये पता है कि बड़ी ठीक सी थी और हम बहुत खुश थे। तो क्या बात है भाई, आजकल के बच्चे ज्यादा पढ़ने लग गए हैं और क्या बात है, या कुछ पेपर डिफरेंट बनने लग गया है, क्या बात है जी? नहीं देखिए, दो तीन बातें हैं। बच्चे वाकई ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं कहूंगी उनको, आज का बच्चा बहुत फोकस्ड है, और उसके ना सिर्फ बच्चा खुद पढ़ रहा है, उसके साथ एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, उसके माँ बाप हैं, उसकी स्कूल है, उसका कोचिंग सेंटर है, उसका कोचिंग सेंटर भी है, जो एक रियलिटी है, हमें मानना पड़ेगा। और कहीं कुछ एक अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं, और सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा है, जब शायद आपको याद होगा जब हम लोगों ने एग्जाम दिए थे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, तो पैटर्न ऑफ पेपर अलग हो गया है, नाउ इट्स मोर ऑब्जेक्टिव, तो स्कोर करना इजी हो गया बच्चों के लिए। लेकिन एक मिनट जी, मैं वैदेही जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि भाई चलिए गणित मैंने मान लिया, साइंस मैंने मान लिया, इंग्लिश और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर, हाँ सोचने वाले एक्सप्रेशन सीखेंगे जी कि हाँ एक्सप्रेशन वाकई नहीं सीख पाएंगे, लेकिन पैटर्न ऑफ पेपर जो आ रहा है, मैं उसकी बात बता रही हूँ कि क्यों स्कोर हो रहा है। अब हम भी सुनते हैं सोशल स्टडीज में 100 मार्क्स आ रहे हैं, या पेंटिंग में 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो सोचने का विषय है कि क्यों ऐसे हो रहा है। और वाकई ये आपने एक पहले बात कही कि जिन बच्चों के नहीं आ रहे हैं उनका क्या होगा, तो वो भी सोचने का विषय है कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। निशा जी, आप काउंसलर हैं, जिन बच्चों के 75% आते हैं, क्या आमतौर पे, मैं एक बहुत जनरल बात करूंगी, मेजोरिटी की बात करूंगी, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये उनके एक आम जनता का जवाब है, क्या जिस बच्चे के 65 आते हैं या 70 आते हैं, उसके माँ बाप ये समझते हैं कि यार मैंने देखो इसको विषय ठीक नहीं दिलाया था, ये आर्ट्स लेना चाहता था, मैंने ये करा, या आज हो सकता है भाई मेरा बच्चा 75% हो, मुझे पता है मैं भी इतनी ही थी, या फिर कि तेरे 99 क्यों नहीं आए, देख बेटा फलां के लड़के के 99, या देखिए अगर आपको पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैं, तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो जाते हैं। जैसे कि फैमिली में अगर तीन बच्चे हैं, तीनों ने अगर 12वीं की एग्जाम दी है, एक को 90 आए, एक को 80 आए और एक को 70 आए हैं, हम तो 10% का मार्जिन इसमें देख रहे हैं। जो 70 और 80 वाले पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के 70-80 आए हैं, उनका क्वेश्चन ये नहीं होगा कि तुम्हें 70 और तुम्हें 80 क्यों आए, उनका क्वेश्चन ही उल्टा होता है कि उसको 90 कैसे आ गए, जब तुम तीनों को फैसिलिटीज सेम दी है, कोचिंग सेम दी है, स्कूल सेम है, टीचर्स सेम है, खाना सेम है, एनवायरमेंट सेम है। पर वो ये नहीं समझते हैं कि चाहे कितना भी एनवायरमेंट आप सेम रखें, क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, 40 के 40 बच्चे सेम थोड़ी होते हैं, सबकी कैपेसिटी और सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दैट कैपेसिटी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। देखिए जो बात आज आप कर रहे हैं ये सत्य पहले भी था जी, लेकिन पहले जो एक छोटा सा जो एक फर्क था कि इस दौड़ में, माफ कीजिएगा, केवल माँ बाप थे, ठीक है ना, बच्चा तो नहीं था, आजकल तो बेचारे बच्चे भी आ गए, लेकिन जो सबसे बड़ी एक मैं तो कहूंगी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि स्कूल इस दौड़ में आ गए, स्कूल इस दौड़ में आ गए कि हमारे कितने बच्चों के अब 99% है, हमारे कितने बच्चों के 98 है, कितने बच्चों का अब 10th में 10 CGPA है, 9.8 CGPA है, तो ये बैलेंस, अगर टीचर भी यही कह रही है कि भैया मेरे को सिर्फ 90% वाला बच्चा चाहिए, स्कूल भी यही कह रहा है, तो फिर नहीं, मैं इसे इंटरप्ट करूंगी, मैं आई थिंक वैदेही मैम मानेंगे इस चीज को, स्कूल प्रेशराइज नहीं करती जितना मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ,
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आपस में, मतलब बच्चे और माँ बाप का आपस में एक दूसरे पे पीयर प्रेशर होता है। लेकिन एक चीज पूछूंगी वेदी जी, जब स्कूल पूरे पूरे पेज के एड देते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने इतने बच्चों के 98% आए, तो ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है? प्रेशर बिल्कुल है, और निशा जी का एक्सपीरियंस है, मेरा भी है कि स्कूल्स में भी एक प्रेशर है अनीता जी, और उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं अपने शहर में, पहले इतने नहीं थे। हर स्कूल चाहता है बच्चे आए, स्कूल को चलाना है तो बच्चों का एडमिशन होना जरूरी है, तो पेरेंट्स आज के दिन उसी चीज से, और पेरेंट्स पूरी सोसाइटी, हम जब बैठते हैं बात करते हैं तो हम स्कूल्स के रिजल्ट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, उस स्कूल के बच्चे का वहां एडमिशन हो गया, उस स्कूल में इतने आईआईटी में आ गए, स्कूल्स एडवर्टाइज कर रहे हैं इस बात को, तो एक प्रेशर जो एक पेरेंट और बच्चे पे है वही प्रेशर आज एक स्कूल पर भी है। लेकिन आप दोनों मेरी ये बात मानेंगी कि चाहे आज के दिन बड़े बड़े हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, बड़े मोटे मोटे हमारे जयपुर में फीस स्ट्रक्चर है, हमारे को पहले तो जी टूरिज्म था, फिर बीच में आ गया जी हेल्थ टूरिज्म आ गया, अब एजुकेशन टूरिज्म आ गया, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी बच्चा तीसरी क्लास से कोचिंग जा रहा है। एक मिनट, तो कहीं ना कहीं अपने कुछ फर्स्ट क्लास से, चलिए जी और भी दुखदाई, फर्स्ट क्लास से जी कोचिंग जा रहे हैं, तो हमें क्या सोचने की जरूरत नहीं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये क्या हो रहा है जो आप ट्यूशन की बात कर रही हैं, कोचिंग की बात कर रही हैं, देखिए बड़े लेवल पे कोचिंग बच्चे जाते हैं क्योंकि मे बी स्कूल्स में आईआईटी की पढ़ाई नहीं होती, तो एंट्रेंस होता है। देखिए 11वीं 12वीं की एक ऐसी कक्षा है जिसके बच्चों का मैं ये बात मान सकती हूँ कि उसको कोचिंग की जरूरत होगी, क्योंकि जो एक आपको टेक्निकल तरीका आना चाहिए वो शायद ट्रिपल जी को ट्रैक करने का, वो शायद स्कूल का, हमारी एनसीईआरटी की पढ़ाई, हम आपको थ्योरी और इनफ नहीं रहती। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि क्लास वन में क्लास टू में तो फिर स्कूल्स क्या कर रहे हैं और क्यों ट्यूशन की जरूरत है, हम लोग हमेशा मना करते हैं, इनफैक्ट वी हैव पेरेंट ओरिएंटेशन इन स्कूल वेयर वी टेल देम दैट टीचर्स आर देयर एंड दे आर यू हैव टू हैव फेथ, बट अगेन इट इज द होल सोसाइटल प्रेशर कि उसका बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है, मेरा बच्चा कहीं पीछे नहीं रह जाए, यू नो, क्योंकि हम आज अचीवमेंट, हमारे बच्चे का अचीवमेंट हम सिर्फ मार्क्स से देख रहे हैं ना, हम ये नहीं देख रहे कि हमारा किस तरह का बच्चा है, उसको क्या पसंद है, हम उसमें मानवीय मूल्य कुछ कर रहे हैं, उनको हम एनकरेज कर रहे हैं, या हम सिर्फ अपने बच्चे को अचीवमेंट सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि 10 में नंबर कितने आए तुम्हारे। और ये क्या होता है कि जब जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, बिकॉज आई एम हेडिंग अ स्कूल, आई नो सारे पेरेंट्स, हम बहुत तारीफ दूसरे एरियाज में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही बात आती है कि मार्क्स कितने आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए। निशा जी आप क्या मानती हैं कि क्या ये जो एक कोचिंग का ये है, ये क्या बच्चा खुद चला के कहता है, खास करके अगर हम लोग पहली कक्षा में तो नहीं कह सकते, लेकिन पांचवी छठी में क्या बच्चा खुद कहता नहीं मेरे फ्रेंड्स भी कोचिंग जा रहे हैं मैं भी जाऊंगी, या ये टोटली ये मदर्स का सोच है, मदर्स एंड फादर्स का? अनीता जी इसके दो रीजन है। पहला ये है कि जब बच्चा फिफ्थ सिक्स में आके जब पेरेंट्स पढ़ाने लगते हैं तो आजकल के पेरेंट्स का पेशेंस इतना कम हो गया है, पेशेंस तो हमारे पेरेंट्स का भी कम था, शायद हम टॉलरेट कर सकते थे, हाँ हम टॉलरेट कर लेते थे, पर आजकल के बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते, तो बच्चों पे हाथ उठाना, बच्चों पे गुस्सा करना, बच्चों को नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलना, इससे बच्चे इतना ऊब गए हैं, दे फील इट्स बेटर टू गो टू अ ट्यूशन टीचर रादर देन सिट विद अ मदर एंड स्टडी और विद द फादर। दूसरा ये भी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एक कॉलोनी में जैसे चार बच्चे हैं, मेरा बच्चा है कि वो स्कूल से आता है, कोचिंग जा रहा है, कोचिंग के बाद स्केटिंग क्लास जाता है, स्केटिंग क्लास के बाद फिर वो वोकैबुलरी क्लास जा रहा है, वोकैबुलरी क्लास के बाद फिर वो स्टोरी टेलिंग क्लास के लिए जा रहा है, उसके बाद क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए जा रहा है। सो माई एक्सपोजर गिवन टू माई चाइल्ड इज 10 times बेटर देन योर चाइल्ड एक्सपोजर, तो मैं बेचारे खुद ही वो एज अ मदर, एग्जैक्टली वो मदर जो है वो गिल्ट में ही रहती है कि क्या मैं मेरे बच्चे को कम एक्सपोजर दे रही हूँ। वो आज के दिन बच्चा क्या हो गया, वो पड़ोसी की लंबी कार हो गई, एग्जैक्टली आखिर ये क्या है। लेकिन जो बच्चे के 65% या 75% आ रहे हैं, आज मेरे जैसे हजारों लाखों बच्चे ये बैठे कार्यक्रम देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए क्या ऑप्शन है, 65-75% की जिंदगी में क्या ऑप्शन है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे हैं, लेकिन आज आपसे मैं ये डिटेल करना चाहूंगी, और उसके साथ साथ ये भी कि क्या एक 99.9% ही जिंदगी में आगे चल के अपने करियर पे टॉप पे पहुंचता है, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज, जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्या आज तक कोई ऐसी स्टडी हुई है जिसमें ये पता चले कि भाई ये जो 100 टॉप के बच्चे थे जिनके 99.9% थे वो जिंदगी के 15 साल के बाद क्या कर रहे हैं? क्या वो उनसे बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जिनके 65-75% थे? कुछ ऐसा है जी फर्क? देखिए फर्क हो सकता है। एक मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगी, आउटलायर्स, एक मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है और उन्होंने इस पे इसकी स्टडी करके लिखा है कि जिस बच्चे को शुरू से जिस तरह की परवरिश मिलती है वो बच्चा आगे जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि 65% है या 75 है वो आगे क्या करेगा, तो 10 साल बाद बच्चा कहाँ होता है ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसकी खुद की मेहनत, किस लाइन में वो गया, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल समाज में या क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो 10 साल बाद ये सोचना आज की क्योंकि मेरे 70% आए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक ये बहुत ही गलत सोच है। और आपको मुझे किसी को भी शायद याद नहीं है कि हमारे कितने नंबर आए थे, तो मेरे लाइफ में सक्सेस जिसको हम कहते हैं आगे जाके आप क्या बनेंगे, ये कुछ ठीक है थोड़ा बहुत मार्क्स पे है क्योंकि आपका मे बी एक अच्छे कॉलेज में आपके करियर इमीडिएट कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है सक्सेस के लिए। आपके पास कितने बच्चे आते हैं, कितने पेरेंट्स आते हैं इस काउंसलिंग के लिए जो कि अब क्या करें जी, इसके तो हमने तो सोचा था इसके 92 आएंगे बहुत इंटेलिजेंट है और इसके 70 आए क्योंकि बच्चों की सुनी नहीं उन्होंने। लास्ट 10 डेज में रिजल्ट आने के बाद आई हैव काउंसल्ड अराउंड 100 चिल्ड्रन ऑलरेडी। जिनके 96-97 आए वो पेरेंट्स भी परेशान हैं और जिनके 76-77 आए वो पेरेंट्स भी परेशान हैं। 96 वाले क्यों परेशान? क्योंकि स्टीफन्स का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, डीयू का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। सही बात है जी, अलग अलग चीज अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम। Exactly. वो बच्चा भी एक सबक देख के मैं सवेरे इतने आए अभी भी कहीं नहीं। एग्जैक्टली Exactly. पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये शो देख रहे हैं इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मेरी लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है ये। देर इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ अ सिटी इन जयपुर, तो वो बच्चे को 94% आए एंड स्पोर्ट्स कोटा के साथ उसके 96 या कुछ हो गए। अब उस बच्चे को अब्रॉड में जाना था कॉलेज के लिए, तो उसको दो तीन एग्जाम्स भी देने थे एंड देन ही हैड टू गिव एन इंटरव्यू। सो इट वाज अ वेरी ए क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके लिए उसको तीन एग्जाम देने थे, तीन इंटरव्यू पास करने थे। वो फर्स्ट इंटरव्यू में ही वो 95% वाला बच्चा फेल हो गया। फर्स्ट इंटरव्यू क्योंकि जो दूसरे स्किल्स थे अदर देन एकेडमिक स्किल्स वो थे ही नहीं। इसके कॉन्ट्रारी इसी सिटी का, इसी जयपुर के एक और स्कूल के बच्चे को 83% आए थे सेम यूनिवर्सिटी में, तीनों इंटरव्यू क्रॉस करके आज उस कॉलेज में उसका थर्ड ईयर है सेम यूनिवर्सिटी में। क्योंकि एकेडमिक स्किल के साथ जो दूसरी स्किल्स होनी चाहिए थी, चाहे उसको कॉन्फिडेंस बोल दीजिए या पर्सनालिटी बोल दीजिए या एक्सप्रेशन बोल दीजिए या राइटिंग बोल दीजिए या रीडिंग बोल दीजिए या नॉलेज बोल दीजिए, एकेडमिक इंटेलिजेंस अलग होता है एंड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस अलग होता है। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं भी जानती हूँ कि हर स्कूल प्री नर्सरी से ही इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन अलग अलग तरीके के रखता है, चाहे वो ड्राइंग है, आर्ट है, कलरिंग है, रेसिटेशन है, ड्रामा है, डांस है, कि भाई जिसमें बच्चे को एक्सपोजर मिले, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। भाई तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे लेकिन तुम्हारा रेसिटेशन में फर्स्ट प्राइज है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे लेकिन मैं रेस में फर्स्ट आया। लेकिन पेरेंट्स इसको कितना तवज्जो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है धीरे धीरे करते करते 9-10 तक आते पेरेंट्स छुड़वाते जाते हैं। हम भी देखते हैं कि बच्चे 9-10 तक बहुत खूब पार्ट लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोलते हैं, एक्टिविटीज हर तरह की, और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 9-10 आते ही उनको वो एक करियर का भूत सवार होता है। और दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि हमारा शायद पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग एक इंडिविजुअल की उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या वजूद है, हम उसको सिर्फ मार्क्स से, सिर्फ मार्क्स से करते बच्चे को मार्क्स से तोड़ते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो पैसे से तोड़ते पैसे से। हाँ, ये है हमारे समाज की एक रियलिटी है ये। तो फिर हम बहुत ज्यादा, मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि हम इस समाज में रह रहे हैं, हम इस समाज का हिस्सा है। क्या कर सकते हैं जी पेरेंट्स और बच्चों के साथ, हम डे टू डे अगर हमारा बच्चा एवरेज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा एक खुश बच्चा तो हो? वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों की है, स्कूल की भी है और माँ बाप की भी है, कि एक बच्चा खुश रहे स्कूल में भी रहे तो ही और शी शुड वैल्यू हरसेल्फ। क्या कर सकते हैं मैम आप मुझे तीन चीज बताइए और आप मुझे तीन चीज बताइए, और इसमें मैं आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वगैरह, बिकॉज आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहूंगी। नहीं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, देखिए पहली बात तो दोनों को पहचानना बहुत जरूरी है, बच्चे को भी और माँ बाप को भी, कि कहाँ इंटरेस्ट है। हम
ये बहुत ही आप जानती हैं, सब बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं. आजकल ह्यूमैनिटीज बहुत पॉपुलर है, लेकिन हर बच्चा ह्यूमैनिटीज भी नहीं कर सकता. ह्यूमैनिटीज में कोई इजी थोड़ी है, इजी नहीं पढ़ाई है, ना भी सोशियोलॉजी पढ़ाना भी स्ट्रांग होनी चाहिए. बिल्कुल. तो आप पहले तो ये पहचाने कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है. दूसरा, एक बार पता चल जाए कि बच्चे में ये इंटरेस्ट है या ये नहीं है, तो फिर पूरी मेहनत करनी जरूरी है. कोई भी चीज आसानी से नहीं होती. ये माँ बाप और बच्चे दोनों को समझ, दोनों को समझना जरूरी है कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप अचीव नहीं करोगे इन एनी फील्ड. इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी डांस, इट कैन बी स्टडीज, इट कैन बी. तो वो जरूरी है कि आप पहचाने, अपने आप को पहले पहचाने, फिर आप मेहनत करने को तैयार रहें. और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, बच्चे को आदत हो फेलियर की और सेटबैक्स की. जो हम आजकल, हमें मंजूरी नहीं है कि बच्चा हमारा फेलियर, जरा जरा सी छोटे छोटे फेलियर हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते. स्पोर्ट्स बहुत जरूरी रोल प्ले करता है. आई थिंक ऑल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट. वेयर द चिल्ड्रन मस्ट फील दैट ओके, आई मे नॉट बी द बेस्ट अराउंड, बट आई एम डूइंग माय बेस्ट एंड दैट शुड बी वैल्यूड. यू पुट इन योर बेस्ट. तो ये तीन चीजें आई थिंक बहुत जरूरी हैं कि सबसे पहले तो अपने बच्चे को समझें, उसकी कौन सी उसकी चॉइस है, वो आगे चल के क्या करना चाहता है, और उस चीज को समझ के ही उसके सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें. और जो दूसरी बात बहुत जरूरी कही वेदी सिंह जी ने कि मेहनत करें. देखिए, बिना पढ़ाई लिखाई करे कुछ भी मार्क्स नहीं आने वाले. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लाइफ में, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए. आप कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में जाए, अपनी मेहनत जीत और गिव योर 100%. और जो तीसरी बात आपने ये कही कि भाई हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है, एक छोटी सी हार पे मायूस नहीं होना चाहिए. नहीं, और हार को समझना और झेलना भी जरूरी कि है. क्यों एक्सेप्ट करें, हार होगी. बिल्कुल, जिंदगी है तो हार होगी. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो पार्ट ऑफ लाइफ स्ट्रेट और चलता ही नहीं है. ऐसे ही एज ए काउंसलर आपकी तीन टिप्स भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा. Century, right? I don't want to keep become my mother's tail that I go wherever she goes. Please let me eat more chocolate. I will not get cavities. They don't like me dancing. हमारा parents तो मान लो और पहले के हैं. मैं क्या बोल सकती हूँ, पापा थोड़े ज्यादा ही हाई थ्रो जाते हैं और उनकी मूछें बहुत ज्यादा डरावनी है, तो मैं उनसे बोल नहीं पाती. ये मत करो, वो मत करो. My parents insisted me to take science stream. रटना नहीं पसंद ज्यादा. दूसरों के बच्चे से तो बहुत ज्यादा ही कंपेयर करते हैं. What kind of routine I am having, I am not enjoying that. Every child has some or the other good qualities. My routine is good, but I actually don't like that. जहाँ मेरा ड्रीम था वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ ना, सर क्या फायदा क्या है? ऐसा कौन सा थॉट है जो उन्हें परेशान करता रहता है? हमारी फैमिली पे फोर्स होता है. देयर इज अ रिलेटिव ऑफ माइन हु इंटरवीन्ड एंड यू नो व्हाट आई वांटेड टू. दे हैव टू नो व्हाट देयर चाइल्ड इज हैप्पी विद. आई जस्ट वांट टू चेंज दिस थिंकिंग ऑफ दिस लाइफ. केजिंग अ बर्ड व्हेन इट फ्लाइज हाई इन द स्काई, इट्स मोर ब्यूटिफुल. आई डोंट वांट द बैंक बैलेंस ऑफ मनी वी कैन गेट एनी टाइम. आई वांट टू बिकम अ गुड लीडर. मेरी लाइफ अच्छी है, तो बस आप उसके कोई कंट्रोल एंड ऑल कुछ मत रखो. मेक अ ड्रीम, सी अ ड्रीम, मेक दैट ड्रीम योर लाइफ. NYS के इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने आप को पहचानिए. और जो खुद को जान लेता है, जो खुद को जीत लेता है, खुद पर विजय पा लेता है, अपने आप को विकसित कर लेता है, घटना आत्मविजेता फिर विश्व विजेता बन जाता है. तो आप में भी विश्व विजेता बनने की ताकत है, आप में भी पूरे वर्ल्ड को लीड करने की ताकत है. आप में एक लीडरशिप है और वो लीडरशिप सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है. जो आपके भीतर है आप उसको पूरा उभारिए और एक आजाद आकाश में अपनी पूरी प्रतिभा को जगा करके अपना, अपने कुलवंश का, अपने देश का, दुनिया में नाम रोशन कीजिए. आप धरती पर एक महान कार्य करने के लिए आए हैं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और उसके साथ साथ कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, चाहे वो एग्जामिनेशन है चाहे वो स्पोर्ट्स है। लेकिन कई बार माँ बाप को भी समझ नहीं आता कि क्या करें। जैसे हमने ब्रेक से पहले हमारे साथ जो एजुकेशनिस्ट वैदेही सिंह जी हैं उनकी टिप्स ली, आइए अब जानते हैं निशा जैन काउंसलर जी से कि जी आप भी तीन टिप्स बताइए कि माँ बाप घर पे किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा की सेल्फ एस्टीम हाई हो, बच्चा खुश रहे। मुझे लगता है बच्चा सेल्फ एस्टीम हाई होगी तो एकेडमिक्स में भी एक आधा सब्जेक्ट छोड़ के नॉर्मली ठीक कर ही जाएगा, कर ही जाएगा। मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी जी। बच्चा अभी ट्वेल्थ में है या ट्वेल्थ पास कर चुका है, बट आई फील जिनके भी अभी सिबलिंग्स हैं जो ट्वेल्थ में आने वाले हैं या जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं और जो ट्वेल्थ में आने वाले हैं, मुझे लगता है द फर्स्ट स्किल व्हाट द पेरेंट्स कैन इनकलकेट इन द चाइल्ड इज गिविंग देम अ बुक इन देयर हैंड। अगर बच्चा मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, एग्जैक्टली मतलब आप बुक शॉप पे ले जाइए, आप लाइब्रेरी में ले जाइए, आप बच्चे को कहीं पे भी ऐसी जगह ले जाइए कि बच्चा एक बुक उठाना सीखे। और ये बिना अच्छा से पहले दिन से आदत डालिए, ये आप प्री प्राइमरी से आदत डालिए जब बच्चा पढ़ना शुरू करे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि जब बच्चा बुक उठाता है और बुक पढ़ने के बाद जब उसके पास एक एक्यूमुलेटिव नॉलेज होती है और परसेंटेज नहीं भी होता है तो वो कॉन्फिडेंस ऑफ नॉलेज वो उसे हर जगह काम आता है। जैसे वो 86% वाले बच्चे की जो मैंने आपको बात बताई थी, वो एक्यूमुलेटिव नॉलेज उसे काम आई। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि हर बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता, पर हर बच्चा कोई ना कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही सकता है, विच इज द बेस्ट वे टू वेंट आउट योर एनर्जी। आपको एक एनर्जी को डायरेक्शन देना होता है। जब आपकी एनर्जी में होती भी तो कितनी सारी एनर्जी एडल्ट में भी होती है अनीता जी। अगर हम सारा दिन बैठे रहेंगे तो आप शाम तक यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्या करूं, एंड यू वांट टू ब्लास्ट दैट फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। और ये बच्चों के साथ हो रहा है तो बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर डालें। नहीं, स्पोर्ट्स में भी नहीं डालें तो बच्चों को साइकिलिंग कराइए। बच्चों को आप पार्क में, मैंने कितने पेरेंट्स को देखा है घर के पास में पार्क है पर खेलने नहीं भेजते बच्चे को, नहीं तुझे पढ़ना है तुझे होमवर्क करना है। कोई भी एक्टिविटी के लिए बच्चे को आप एनकरेज करिए कि तुझे आधा घंटा तो खेलना ही खेलना है। और तीसरा, उससे उनकी जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो एकेडमिक रिजल्ट अच्छे देगा। ये एक मेरा रिसर्च वर्क है जो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे आजकल नोट्स नहीं बनाते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है या तो स्कूल की पढ़ाई पे या फिर कोचिंग की पढ़ाई से, तो और स्कूल की और कोचिंग की पढ़ाई कभी भी मैच नहीं करती है। और सेल्फ स्टडी बिल्कुल, क्योंकि उनका पैटर्न अलग होता है, स्कूल का पैटर्न अलग होता है। दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि क्या पढ़े। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑलवेज कंफ्यूज क्योंकि वो खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं। कोचिंग और स्कूल जाने के बीच का एक रास्ता होता है कि आप दो जगह से पढ़ रहे हो, अब अपनी पढ़ाई करो, आप उसकी आप नोट्स बनाओ। टाइम है क्या हमारे बच्चों के पास? मैं भी यही सोच रही हूँ, मतलब मैं तो देख रही हूँ कई स्कूलों में और अपने खुद के स्कूल में भी देखती हूँ कि स्कूल खत्म होता है, वहां से बच्चा भागता हो शायद घर पहुंचता है, कई बार तो गाड़ी स्कूल में ही आ जाती है, वहीं से ट्यूशन चला जाता है और वहीं से बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं। तो एक बहुत स्केरी सिनेरियो है। कहीं ना कहीं ये माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे निशा जी ने जो ये तीन टिप्स बताई कि सबसे पहला तो बच्चे को बचपन से ही छोटे से ही कहानियां स्टोरी बुक्स रीडिंग की आदत डालिए, दूसरा किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को पहले दिन से रखिए, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे आप घर में बच्चे के साथ पार्क में अपने जाके बैडमिंटन खेलें घर के लॉन में, चाहे घर की छत पे आप बैडमिंटन खेलें, पर एक ये समय निकालिएगा। और तीसरा, स्कूल और कोचिंग के बीच में उसको इतना समय आप जरूर दीजिए और बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखें कि सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट्स बनाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे तो जो एक प्रश्न को समझने, लेकिन वो प्रश्न को समझने से मुझे ना मैं वापस परसेंटेज पे आगे बढ़ रही हूं। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए मेरे को ना बड़ी चीज ये खटक रही है कि क्या वाकई, मतलब आप सारी बातें मैं आपकी मानती हूँ। देखिए जी, हम भी बहुत मेहनत करते थे, हमारे टाइम पे तो बच्चे बेचारे ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। क्या वाकई इतने मार्क्स आते हैं? नहीं, देखिए अभी आजकल तो ये पेपर में भी आया है कि इन्फ्लेशन हुआ होता है मार्क्स का। पॉलिसी ऑफ मॉडरेशन, इन्फ्लेशन से तो हम इकोनॉमी में परेशान थे, यहाँ भी हो गया, अब यहाँ पे भी हो गया। देखिए, मॉडरेशन हमेशा होता आया है मार्क्स में और वो जरूरी भी है। एज अ पॉलिसी मॉडरेशन इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज देखिए लाखों आपके आंसर बुक्स हैं और हजारों टीचर्स उनको चेक करते हैं। तो दिल्ली रीजन का अलग पेपर बनता है, अजमेर का अलग बनता है, मानते एक इंसान ही चेक कर रहा है, वो थोड़ी सी एक उसको एक मॉडरेट लेवल पे लाने के लिए ठीक है। 5% तक होता आया था, पहले 5% नहीं है जी, अब ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस
वो एक चक्रव्यूह हो गया है कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो एडमिशन अच्छे होंगे, एडमिशन अच्छे होंगे तो एक फील गुड फैक्टर है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो आपके 99% है, दिस इज नॉट द रियल यू नो वैल्यू ऑफ चाइल्ड और एकेडमिक लेवल, बिकॉज यू हैव यू नो यू हैव पीपल सेइंग कि हमारे बच्चे कई बार एप्लीकेशन ही नहीं लिख पाते हैं, बड़े बच्चे या कई बार इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और उनको ABC नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो परसेंटेज है, इट्स नॉट गिविंग अस द ट्रू पिक्चर ऑफ द वर्थ ऑफ अ चाइल्ड और द नॉलेज दैट द चाइल्ड हैज। वेदी जी और निशा जी, मैं अभी अपन लोग एक बात तो हम लोग समझ गए, बिल्कुल सही है कि बहुत हद तक ये एक सिस्टम है और एज एन इंडिविजुअल हम लोग बहुत कुछ इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करूंगी कि कम से कम आज का हमारा शो देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स जागरूक हो जाएं, लेकिन आप ये मानती हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक टीचर, एक स्कूल और एक पेरेंट बच्चे की जिंदगी को तो आसान बना सकता है? आसान बना सकते हैं, कोशिश भी करते हैं, हम लोग पेरेंट्स के साथ बहुत ओरिएंटेशन करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं, हर स्कूल में एक काउंसलर है, दो भी हैं, कई बार तीन भी काउंसलर होते हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी सब बच्चों को, स्पेशली ठीक है जिनके 90 के ऊपर आए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एंड उनके हार्डवर्क का नतीजा है, सो आई डोंट वॉन्ट टू से दैट यू नो इन्फ्लेशन से आ गए या मॉडरेशन से आ गए, दे हैव वर्कड हार्ड एंड देव गॉट इट। बिल्कुल, जो बच्चे नहीं कर पाए मैं उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आपका आपकी अहमियत, आपका वजूद, आपका व्यक्तित्व ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा परे है, एग्जैक्टली बिल्कुल परे है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स कितने स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंस कितना है, कम्युनिकेशन कितना है, नॉलेज कितनी है, उन पे भी ध्यान, आगे की लाइफ इस पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और निशा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट जिनको भी सो कॉल्ड 90% नहीं आए, जिनको आए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट एंड आई शुड नॉट, बट जिनको नहीं आए हैं वो उनको मैं यही कहूंगी कि आप गूगल करिए वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों को, क्या उनके साथ वो परसेंटेज मैच करते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। अ मियर 2-digit नंबर कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। बिल्कुल सही बात है, चाहे आपको 65 आए चाहे आपको 99 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ेगा कि आप आगे अपनी जिंदगी के साथ अब क्या अब क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ही डिफरेंस रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास मुलाकात वेदी सिंह जी और निशा जैन जी के साथ। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी मैं सभी माँ बाप से, शिक्षा और काउंसलर हमारे साथ जो टीचर थे उनकी बात आपने सुनी, लेकिन मैं एज अ पेरेंट आपको ये बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे के लिए रुकिए, रहिए, समय बनाइए। आपका बच्चा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसको तो कम से कम आप इन चंद मार्क्स से मत तोलिए। दुनिया जो करे, सिस्टम जो करे वो अलग है, आप तो अपना ही जगह बनाइए अपने बच्चे के लिए। बस इतना ही, मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।